अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल हैं, कैसे हैं आप सब। तो आज है ना दुबई में समर वैकेशन का लास्ट डे है, पूरी 2 महीने की छुट्टियां ख़त्म। कल से स्कूल्स रीओपन हो रहे हैं और पिछले हफ्ते हम गए थे, बच्चों के यूनिफॉर्म वगैरह ले आए थे, तो वो सब मैंने वॉश कर दी थी और अब वही मैं आयन करके ना यहाँ स्टोर रूम में एक रॉड लटका हुआ है उसी पर हैंग कर दूँगी। 2 महीने से यूनिफॉर्म वगैरह आयन ही नहीं करना था तो मुझे याद ही नहीं था, अच्छा हुआ शाम में याद आ गया। एक दिन पहले यूनिफॉर्म रेडी रहता है ना तो सुकून रहता है। और यहाँ पे है ना अफ़ान और आरिज अपना बैकपैक कर रहे हैं। जब स्कूल्स रीओपन होने वाले होते हैं ना तो हर मॉल में बैक टू स्कूल ऑफ़र लगा रहता है और बड़े अच्छे प्राइस भी रहते हैं डिस्काउंटेड। तो इस बार है ना हम लोग ने क्या किया कि अलग अलग स्केल, पेंसिल, रबर, शार्पनर लेने के बजाय एक ऑल इन वन स्टेशनरी बॉक्स ले लिए जिसके अंदर ये स्केल, हाइलाइटर, ग्लू, रबर, पेंसिल, कलर पेंसिल और सिजर्स, मतलब जो भी एक चाहिए होता है स्टेशनरी में वो सब चीज़ इसमें थी। तो हस्बैंड बोले एक ही पाउच ले लो, इसमें सब रहेगा। तो ना अफ़ान और आरिस के लिए हम लोग ने सेम लिए थे क्योंकि आरिस को हमेशा अफ़ान की जैसी ही चीज़ें चाहिए होती हैं। और इतने दिन से देखिए अफ़ान ये बैग संभाल के रखा था, कह रहा था फर्स्ट डे ऑफ स्कूल में एकदम नया बैग ले जाएगा। शायद आप लोगों को याद होगा कि ये बैग हम लोगों ने अफ़ान को ईद में ईदी के तौर पे गिफ्ट दिए थे। और ये जो बैग है ना ये किपलिंग्स का है, इसकी क्वालिटी मुझे इतनी पसंद है, लाइट वेट है, वाटर रेजिस्टेंट है, इनके हर बैग पे फंकी लिटिल मंकी लटका रहता है मेन चेन पे। ये बैग इतने अच्छे होते हैं कि डे वन से लेके लास्ट डे ऑफ स्कूल तक एकदम वैसे ही रहते हैं। फर्स्ट डे ऑफ स्कूल की बात ही कुछ अलग होती है, एक अलग ही लेवल का एक्साइटमेंट होता है बच्चों में। मुझे तो अपना टाइम याद आ जाता है, इसी तरह हम लोग भी एक्साइटेड रहते थे और इसी तरह मम्मी हम लोगों के लिए भी ना न्यू यूनिफॉर्म, न्यू बैग्स और न्यू स्टेशनरीज लेके आती थी। एनीवेज यहाँ पे यूनिफॉर्म आयन हो चुका है और आज है ना मेरी डिनर बनाने से छुट्टी है, आज मुझे किचन में नहीं जाना है शाम के लिए क्योंकि हम जा रहे हैं बाहर, थोड़ा सा काम है बाहर का तो बाहर ही हम डिनर वगैरह करके आएंगे। पिछले व्लॉग में है ना बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे बच्चों की फ़ीस और स्टडीज़ वगैरह के बारे में, तो उस पर है ना मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी। फ़िलहाल जो है ना हम आए हैं फ़ोटो स्टूडियो, फलक का एक फ़ोटो खिंचवाना था। स्कूल से जो है ना वो नोटिस आई थी कि CBSE रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना है, इस साल फलक 10th में है और बोर्ड है उसका, तो CBSE रजिस्ट्रेशन के लिए जो है ना वो फ़ोटो की रिक्वायरमेंट अलग ही होती है, फ़ोटो पे बच्चे का नाम और जिस दिन फ़ोटो खिंचाएं वो डेट चाहिए होती है। तो बस ये शर्ट पहन के और टाई लगा के फ़ोटो खिंचवा लेगी फलक, क्योंकि हाफ ही फ़ोटो आएगी और अभी आधे घंटे में मिल भी जाएगा फ़ोटो। फ़ोटो खिंचाने के बाद हम आ गए थे दुबई मॉल। पिछले हफ्ते चैनल पे एक कमेंट आया था कि पूरी 2 महीने की छुट्टियां ख़त्म हो गई, आप बाहर नहीं गई घूमने कहीं, दुबई इतनी खूबसूरत जगह है, बाहर का भी कुछ दिखाया करिए, मॉल्स वगैरह, रेस्टोरेंट्स। तो इत्तेफाक से आज हम दुबई मॉल आए थे तो मैंने सोचा कि लाओ शूट कर लेती हूँ। वैसे तो दुबई में सारे ही एक से एक मॉल्स हैं सजे हुए, लाइटनिंग्स वगैरह, लेकिन दुबई मॉल की वाइब ही कुछ अलग है। दुबई मॉल इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड फेमस शॉपिंग मॉल इन द वर्ल्ड। जब भी कोई UAE आता है ना घूमने के लिए तो हम उन्हें दुबई मॉल ज़रूर लेके आते हैं। ये देखिए जो पब्लिक खड़ी है ना ये फ़िश एक्वेरियम का मज़ा ले रही है और ये कोई मामूली फ़िश एक्वेरियम नहीं है, दिस इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट इंडोर फ़िश एक्वेरियम इन द वर्ल्ड। इसकी जो बाहर की वॉल है ना वो पूरी कांच की है तो इसीलिए बाहर से हर कोई देख सकता है इस फ़िश एक्वेरियम को विदाउट पेइंग एनी फीस। लेकिन अगर आप अंदर से नज़दीक से देखना चाहते हैं ना तो इसमें एक अंडर वाटर टनल है जिसका अलग से पैसा लगता है। ये देखिए ये है अंडर वाटर टनल, इसमें वॉक करके जो है ना आप फिशेस को एकदम नज़दीक से देख सकते हैं। और अगर आप पानी के अंदर जाना चाहते हैं, शार्क्स और स्टिंगरे के साथ स्विमिंग करना चाहते हैं तो वो फैसिलिटी भी अवेलेबल है, लेकिन मैं तो ज़िंदगी में कभी ना जाऊं क्योंकि मुझे अपनी जान बहुत ज़्यादा प्यारी है। ये देखिए ग्लास के नज़दीक आके खड़ी है, वैसे ही देख के इतना खौफ आ रहा है शार्क को, तो नज़दीक जाके पता नहीं क्या होगा।
जैसे ही आप दुबई मॉल से बाहर निकलेंगे ना, तो आपको इस तरह का खुला एरिया मिलेगा देखने के लिए। और ये इतना क्राउडेड होता है, इतना क्राउडेड होता है, और आज वीकेंड है तो कुछ ज़्यादा ही भीड़ है। और ये पूरी भीड़ जो है ना, ये फाउंटेन शो देखने के लिए है। और इस फाउंटेन शो से ठीक लगा हुआ जो है, ये पीछे आप देख सकते हैं, बुर्ज खलीफा। ये जो दुबई वाटर फाउंटेन शो है ना, ये मेजर अट्रैक्शन है दुबई का। कोई भी इसे देखे बगैर यहाँ से वापस नहीं लौटता है। मैं आपको अभी पूरा दिखाऊंगी, लेकिन थोड़ा सा अंधेरा हो जाए, क्योंकि ये लाइट्स और म्यूजिक के साथ ज़्यादा अच्छा लगेगा देखने में। जब मैं आप लोगों के लिए थोड़ी वीडियोस वगैरह बना रही थी ना बुर्ज खलीफा की, तो एक सब्सक्राइबर अपनी फैमिली के साथ आई, और मैं भूल ही गई बिल्कुल पूछना उनको कि क्या वो व्लॉग में आना पसंद करेंगी, कि मैं फ़ोटो वगैरह खींच लेती, एकदम दिमाग में ही नहीं आया। और अभी हम जब मॉल में अंदर घूम रहे थे ना, तब वहाँ पर भी एक सब्सक्राइबर मिली थी अपनी फैमिली के साथ, पर उनको भी मैं पूछना ही भूल गई कि क्या वो व्लॉग में आना पसंद करेंगी। एनीवेज़, ये देखिए, ये बुर्ज खलीफा लेक है, यहाँ पे बोटिंग होती है। ये बड़ी हंसी आ रही है। 70 dirhams per person. We're not going to go burning heat. ये जो दुबई वाटर फाउंटेन शो है ना, ये हर आधे घंटे के इंटरवल पे होता है, लेकिन अभी मगरिब का टाइम होने वाला है, तो इसलिए मगरिब की अजान के बाद इन लोग स्टार्ट करेंगे यहाँ पे ना। जैसे ही अजान का टाइम होता है, जो भी मॉल हो उसमें अगर म्यूजिक चल रही है तो सब बंद कर देते हैं। तो जैसे ही अभी अजान ख़त्म होगी, तो उसके बाद दुबई फाउंटेन शो स्टार्ट हो जाएगा। Which restaurant are we going? Burak. Let's go. Wait. दुबई मॉल में CZN बुराक करके एक बहुत ही पॉपुलर रेस्टोरेंट है, जो कि फेमस है अपने टर्किश कुजीन के लिए। और यहाँ पे ना बच्चे वही आईपैड में देख रहे हैं मेन्यू पूरा। यहाँ पे ना डिफरेंट टाइप के कबाब्स मिलेंगे, टर्किश कबाब्स। और टर्किश फूड जो है ना, वो काफ़ी अच्छा होता है। जब हम चाइना गए थे ना, तो जहाँ भी टर्किश फूड का ऑप्शन अवेलेबल होता था, तो हम ज़रूर वो ले लेते थे। तो फलक ने अपने लिए बर्गर ऑर्डर करी है, और हस्बैंड और बच्चों ने, ये टर्किश ट्रेडिशनल फूड है, पता नहीं कौन सा प्लेटर है ये, ये है टमाटर की चटनी, जिसको इस तिल वाले बन के साथ खाया जाता है। और आरिज ने अपने लिए पास्ता ऑर्डर किया था। एक्चुअली ना वो टमाटर की चटनी नहीं है, उसका कुछ और नाम है, टर्किश ट्रेडिशनल डिश है वो, मुझे नाम नहीं पता। मैं तो ये सब घर में बनाती नहीं हूँ, जब हम मॉल जाते हैं ना तभी खाते हैं। मैंने अपने लिए एक मोहितो ऑर्डर किया था। और डिनर के बाद डेजर्ट तो बहुत ज़रूरी है हस्बैंड को, क्योंकि इन लोगों को ना स्वीट टूथ है, खाने के बाद ज़रूर मीठा चाहिए। तो हस्बैंड ने ना ये टर्किश बकलावा विद आइसक्रीम ऑर्डर किए थे, और बहुत बहुत ही अच्छा था, एकदम हल्का मीठा। हम बस घर जा ही रहे थे ना, तो फिर निकलते निकलते फिर से वाटर फाउंटेन शो स्टार्ट हो गया था, तो एक छोटा सा क्लिप मैंने ले ली। अच्छा, अब है ना हम घर के नज़दीक एकदम आ गए हैं, और यहाँ पे ना एक ब्यूटी पार्लर है। फलक बहुत दिन से मुझसे बोल रही थी कि उसको हेयर कट करवाना है, छोटा करवाना है उसको बाल थोड़ा सा। तो मैं भी सोची ठीक ही है, अभी पढ़ाई का ज़्यादा बर्डन है उसके ऊपर, तो बाल की इतनी अच्छी केयर नहीं कर पा रही है, तो ठीक रहेगा छोटा करवा लेंगे, तो फिर बाद में बाल बड़ा कर लेगी। वैसे पर्सनली मुझे ना एकदम लंबे लंबे बाल पसंद हैं, लेकिन बच्चों के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। एनीवेज़, यहाँ पे ना पहले उसने वॉश कर दी थी, क्योंकि वो कह रही थी बाल थोड़ा सा ऑयली लग रहा है, हालांकि एक दिन पहले ही फलक ने शैम्पू करी थी।
और उसके बाद है ना यहाँ पे यही कटिंग वगैरह स्टार्ट कर ली है। और पता है यहाँ आके फलक फैल गई, उसने ना इतना थोड़ा सा बाल कट करवाई नीचे से कि बिल्कुल पता ही नहीं चल रहा था कि हेयर कट भी हुआ है कि नहीं। और वो कहने लगी कि मुझे ना स्टेप कट करवाना है और बहुत दिन से मुझसे पीछे पड़ी हुई थी, तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कैसा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, पीछे ये हो गया है नेक्स्ट डे। और सुबह उठने के बाद ना सबसे पहले मेरा काम रहता है बाहर से न्यूज़पेपर लाना। और अब मैं आ गई हूँ किचन में बच्चों का टिफ़िन बनाने के लिए। अभी तक छुट्टियाँ थी तो सुकून था, नमाज़ पढ़ के सो जाओ फिर से, लेकिन जैसे ही स्कूल चालू होता है तो बच्चों के साथ साथ मदर्स की भी रूटीन चेंज हो जाती है। कल रात में ना मैं बच्चों से पूछी थी कि तुम लोग टिफ़िन में क्या ले जाओगे, तो तीनों लोग तीन तरह की चीज़ बताए। एक को बर्गर ले जाना था, एक को पास्ता ले जाना था और एक को राइस चाहिए था। लेकिन मैंने कहा कि मैं तीन तरह की चीज़ नहीं बनाऊंगी, बस एक ही तरह की चीज़ बनाने वाली हूँ। तो फाइनली किसी सूरत से ना इन लोग आलू की सब्ज़ी और पराठे पे एग्री हुए हैं। आलू की सब्ज़ी बनाने के लिए जो आलू चाहिए ना वो मैं इसी मशीन में कट कर लूँगी और बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। ये जो मशीन है इसके साथ ना तीन तरह का ब्लेड है, एक इस तरह के स्लाइसेस करने वाला और जो है एक चॉप करने वाला है और पता नहीं एक और कौन सा है, लेकिन मैं ज़्यादातर है ना यही वाला ब्लेड यूज़ करती हूँ। इसमें आपको कैरेट, कुकुम्बर या फिर आलू जो भी काटना है ना बहुत ही अच्छा कटता है, लेकिन सिर्फ कड़क चीज़ जो नरम चीज़ होती है ना वो इसमें अच्छे से कट नहीं पाती है। आलू की सब्ज़ी बनाने के लिए एक वोक में मैंने ऑयल रख दी हूँ गरम होने के लिए। जैसे ही ऑयल थोड़ा सा गरम हो जाएगा ना तो उसमें ज़ीरा डालना है और उसके बाद जो हम लोगों ने आलू के स्लाइसेस कट करके रखे हैं ना वो डाल देंगे। आलू डालने के बाद है ना हम लोग इसको मीडियम फ्लेम पे भुनेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। दो से तीन मिनट भूनने के बाद आधा चम्मच हल्दी और नमक ऐड करेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग और फिर इसको मीडियम फ्लेम पे थोड़ी देर और भूनेंगे ढक्कन लगा के, ताकि आलू ऑयल में फ्राई होके अच्छा सा सौंधा हो जाए। जब तक आलू थोड़ा सा सौंधा हो रहा है तब तक यहाँ पे है ना मैं टमाटर चॉप कर लूँगी चॉपर में, तो 2 मीडियम साइज़ का टोमेटोज़ मैंने ली हूँ। टमाटर डालने के बाद उसी सेम चॉपर में हरी मिर्ची और लहसुन को भी मैंने चॉप कर ली थी और उसके बाद 1 चम्मच भुना हुआ ज़ीरा पाउडर और 1/2 टीस्पून वाइट पेपर पाउडर और कसूरी मेथी 1 टेबलस्पून भर के हाथ से मसल के मैंने डाल दी हूँ और धनिया की पत्ती 2 मुट्ठी। और उसके बाद जो है ना इसको हम लोग भूनेंगे सिर्फ 5 से 7 मिनट के लिए इसको भूनना है। ज़्यादा भूनेंगे ना तो पूरा आलू टूट के एकदम भरता बन जाएगा और बहुत जल्दी ये कुक हो जाता है क्योंकि ना इतना पतला पतला कटा है तो भूनते भूनते ये पूरा गल जाता है। तो मैं इसको थोड़ा सा पानी डाल के पीछे की तरफ रख दूंगी गैस पे, जब तक मैं दूसरा काम करूंगी ये आलू भी बन के एकदम रेडी रहेगा। और ये देखिए स्कूल स्टार्ट हुआ नहीं कि बसेस दिखने लगी रोड पर। दुबई में इतने सवेरे का स्कूल होता है, मतलब कुछ बसेस ना यहाँ पे एकदम 5:30 बजे आ जाती हैं बच्चों को लेने। मैं सोचती हूँ कि कैसे वो बच्चे जाते होंगे। अब है ना यहाँ पे मैं पराठा बनाने लगी हूँ, तो पराठे का जो आटा है ना वो मैंने रात में ही गूंद के फ्रिज में रख दी थी। थोड़ी सी मेहनत तो लगती है फ्रिज के गूंदे हुए आटे को बेलने में, लेकिन हो जाता है।
अच्छा, पिछले व्लॉग में ना इतने सारे कमेंट्स आए थे वो आदिवासी हेयर ऑयल को लेके, मतलब कुछ लोग मेल कर रहे हैं, कुछ लोग इंस्टाग्राम पे मैसेज कर रहे हैं, कुछ लोग यूट्यूब कमेंट सेक्शन में मैसेज कर रहे थे कि आप कहाँ से ये सब के चक्कर में फंस गई, ये सब स्कैम है, फेक है, जब तक आप ये तेल लगाएंगी जब तक आपका बाल ठीक रहेगा, लेकिन जैसे ही तेल लगाना छोड़ेंगी आपका पूरा का पूरा बाल झड़ जाएगा। तो मैं इतना डर गई और मैं इतना ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो गई हूँ, अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि तेल लगाऊँ कि नहीं लगाऊँ। और हस्बैंड तो तेल लगाना स्टार्ट कर दिए हैं, वो कह रहे हैं कुछ नहीं होता, कह रहे हैं कि अब बॉटल आई है तो वो लगा के रहेंगे। तो आदिवासी हेयर ऑयल का रिव्यू जो है ना वो कुछ महीने बाद हस्बैंड ही आपको देंगे कि कैसा है। अच्छा, पराठा बनाने के बाद है ना मैं तीनों बच्चों को उठा दी ऊपर जाके, और आरिस को मैंने रेडी कर दी, और बाकी फलक अफान ये लोग अपने से रेडी होके नीचे आ जाएंगे। और इन लोगों के ब्रेकफास्ट के लिए ना अब मैं अंडा बॉयल करने जा रही हूँ। आप लोगों को याद होगा कि पिछले साल मैं बताई थी आपको कि अफ़ान को बहुत बहुत ज़्यादा वॉमिट आती थी, सुबह वो कुछ भी नहीं खा पाता था। तो जब हम लोग इंडिया गए थे ना, जब मैं अपने ससुराल गई थी आज़मगढ़, तो वहाँ पे हम लोगों ने होम्योपैथ का एक कोर्स किया था अफ़ान का, और माशाल्लाह माशाल्लाह इतना फ़ायदा हुआ उसको माशाल्लाह कि अब जो है ना वो थोड़ा थोड़ा खाना स्टार्ट कर दिया है। तो अंडा बॉयल कर दी हूँ मैंने, और साथ में जो है मैं ओट्स दूँगी। और जब आप ओट्स बनाएं ना तो मेक श्योर करें कि रोल्ड ओट्स या स्टील ओट्स यूज़ करें, वो नॉर्मल ओट्स से ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। और आजकल है ना थोड़ा सा मैं चेंज भी लेके आ रही हूँ, वाइट शुगर की जगह जो है मैं ब्राउन शुगर यूज़ कर रही हूँ, धीरे धीरे करके मैं चेंज करूँगी, ये थोड़ा ज़्यादा हेल्दी होता है एज़ कम्पेयर टू वाइट शुगर। और यहाँ पे इन लोगों की ओट्स भी रेडी है बिल्कुल। मैं ना थोड़ा सा फैले हुए प्याले में दे रही हूँ जिसका माउथ एकदम वाइड है, ताकि जल्दी से ठंडा हो जाए। और ये देखिए सुबह ही सुबह जो है वो गार्डनर आ गए हैं पानी वगैरह डालने के लिए। आजकल इतनी गर्मी है कि दो बार पानी देना पड़ता है। और यहाँ पे देखिए आरिस माशाल्लाह इतना खुश है कि उसकी हंसी नहीं रुक रही है, बहुत एक्साइटेड है वो अपने स्कूल के फ्रेंड्स से मिलने के लिए। मैं सोची कि आरिस उठेगा नहीं सुबह, क्योंकि कल ना थोड़ा सा लेट हो गया था सोने में। नॉर्मली है ना स्कूल जब होता है नेक्स्ट डे तो मैं रात में जल्दी सुला देती हूँ बच्चों को 9 बजे, ताकि सुबह में एकदम फ्रेश रहें, लेकिन अभी रूटीन सेट करने में ना थोड़ा सा टाइम लगेगा। अच्छा, यहाँ पे है ना मैं पराठा पैक कर रही हूँ, ये जो बेकिंग पेपर होता है ना उसके अंदर। तो पराठा जो है ना वो कड़क नहीं होता, अच्छा सॉफ्ट ही बना रहता है, क्योंकि इन लोगों की जो मेन लंच है ना वो 10 बजे तक होता है टिफ़िन ब्रेक। और साथ में थोड़ा सा मैं पोमोग्रेनेट दे रही हूँ फ्रूट ब्रेक के लिए। तो यहाँ पे है ना तीनों बच्चों का टिफ़िन पैक हो गया है। आरिस का जो लंच बॉक्स है वो मैं इस लंच बैग में रख दी हूँ, और अफ़ान के लिए हम लोग ने लंच बैग लिया ही नहीं, मैं एकदम भूल गई इस बैग से मैचिंग लंच बैग लेने के लिए। कोई बात नहीं। और यहाँ पे फलक भी उठ गई है, फलक की बस थोड़ी लेट आती है, तो इसीलिए अफ़ान आरिस को उठाने के 15 मिनट के बाद मैं फलक को उठाती हूँ। और जैन की यूनिवर्सिटी का टाइम हरदम बदलता रहता है, तो आजकल एक हफ्ते तक ना उसकी 9 बजे है यूनिवर्सिटी। और अब फलक का नाटक देखिएगा। फलक को है ना सुबह में कुछ भी खाना नहीं होता, ऐसा नहीं कि उसको वॉमिट आती है, लेकिन उसका कुछ मन ही नहीं करता है सुबह खाने का। आओ फलक, डाल लो गप से मुंह में। आई विल टेक द ऑरेंज पार्ट। नहीं, पूरा खाओ जल्दी।
तो फिर ठीक है फ्रेंड्स, आज का व्लॉग यहीं तक था। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।